दोस्तों नई नई जवानी जब शुरू होती है ना तो काम वासना बहुत ज्यादा आती है और जिस कारण 13 से 14 साल के लड़के हस्तमैथुन करने लगते हैं। जवानी की शुरुआत में कुछ गलत संगत लग जाए तो वो संगति आपको हस्तमैथुन का आदि बना देता है। कभी कभार मोहल्ले के कुछ बड़ी उम्र के लड़के छोटे बच्चों को ये सब सिखा देते हैं और जिस कारण भी ये लत लग जाती है। गलती से ये जानबूझकर पोर्न देखने के कारण जवानी में हस्तमैथुन की लत लग जाती है और जिस इंसान को जवानी में यानी कि 13 से 14 साल की उम्र में ही हस्तमैथुन की लत लग जाती है फिर ऐसा इंसान अपनी पूरी जवानी इसी लत के कारण बर्बाद कर देता है। अगर आप ब्रह्मचारी के लिए सीरियस हो या वीर्यनाश हस्तमैथुन से परेशान हो तो आने वाले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज ब्रह्मचार्य पालन करने के लिए वीडियो देखते हैं, हर रोज बदलाव के सपने देखते हैं, लेकिन अंत में ये कहकर कि कल से पालन पक्का करूंगा और फिर वे अपना वीर्यनाश को बर्बाद कर देते हैं। उन्हें खुद को भी नहीं पता होता है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए यदि आप इन आदतों से सच में दूर होना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप भी ब्रह्मचार्य का पालन कर सको, एक कदम आगे बढ़ सको, अपनी जिंदगी को अच्छी और सफल बना सको। हो सकता है आप 18 से 30 साल के बीच में हो और आप इस वीडियो पे नए आए हो तो जरूरी आप ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहते हो। दोस्तों अपने आप से एक सवाल पूछिए कि इस पूरी दुनिया में आपको अपनी जिंदगी से बढ़ के कुछ और कीमती है क्या? आपकी जिंदगी में आपके स्वास्थ्य से बढ़ के कोई और चीज कीमती है क्या? फिर हर बार आप क्यों खुद के आत्मसम्मान को घायल करने पे बेचैन हो जाते हो? दोस्तों कुछ पल की झूठी अश्लील खुशी आपको हर बार शर्मिंदगी देती चली आ रही है। याद कीजिए आज कितने साल हो चुके हैं और क्या आज तक कभी इस अश्लीलता की भूख ने आपको मन को शांति मिलने दी है? दोस्तों अगर कोई हमारे साथ धोखा करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है और फिर तो अपने आप को हर रोज कितना बड़ा धोखा दे रहे हो। आप लोगों को पता है कि वीर्यनाश करना जिंदगी का कितना बड़ा धोखा है? मुझे पता है आप इस दर्द को हटाने के लिए बहुत कोशिश भी करते हो लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। तो अपने आप से सवाल कीजिए, उन अश्लील गंदी वीडियो को देखकर आखिर क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हो? क्यों अश्लील वीडियो देखते ही आपका मन भटक जाता है? क्यों हर बार अश्लील पॉर्न वीडियो देखने का मन करता है? जाहिर सी बात है आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर छिपी वासना और हवस कंट्रोल कर रही है आपको, ये गंदी और अश्लील वीडियो कंट्रोल कर रही है। आप दो दिन ब्रह्मचार्य का पालन करते हो, आपको लगता है कि मैं ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हूं लेकिन आप इसका पालन नहीं कर रहे हो। अगर आपको किसी ने अश्लील चीजें दिखा दी तो आप अपना कंट्रोल खो देते हो और जाहिर सी बात है कि आप अपना वीर्य को बर्बाद कर देते हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे आखिर करें तो क्या करें, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं ब्रह्मचार्य का पालन कर सकूं? तो ध्यान से सुनो, आपको मोबाइल से बचना होगा, यही सबसे बड़ा कारण है आपके वीर्यनाश का। मुझे पता है इसे कई लोगों ने फॉलो किया होगा और मैं जानता हूं उन्हें रिजल्ट भी मिले होंगे, लेकिन अभी अगर आपको ब्रह्मचार्य का अच्छे से पालन करना है या किसी लड़की को देखकर अश्लील सोच से दूर रहना है तो आपको अपना नजरिया बदलना होगा। आपको अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो नहीं देखनी है। जब तक आप मोबाइल को हवस पूरी करने के नजरिए से देखोगे तब तक आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकते। एक दिन कर लोगे, दो दिन कर लोगे, चार दिन कर लोगे, एक महीना कर लोगे, अगर अपना नजरिया नहीं बदला तो ये वीर्यनाश करना कभी बंद नहीं होगा। अगर आप में से कोई ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कितने दिन हो गए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।